अस्सलामु अलैकुम माय व्यूअर एंड माय सब्सक्राइबर, मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद नदीम और आप मेरा चैनल देख रहे हैं ट्रैवल वीज़ा इन्फो। तो आज मैं अपने भाइयों के लिए एक नई अपडेट लेके आया हूँ। जो मेरे भाई जर्मनी के ख्वाहिशमंद है, जर्मनी जाना चाहते हैं, वहाँ पर जाके इस सालम अप्लाई करके टम्परेरी रेजिडेंस कार्ड हासिल करना चाहते हैं, परमानेंट रेजिडेंस कार्ड हासिल करना चाहते हैं, तो ये वीडियो वो मेरे भाइयों के लिए। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि जर्मनी ने पाकिस्तानियों के लिए क्या नए रूल्स निकाले हैं, क्या उनकी नई नोटिफिकेशन आया है और क्या उनकी नई अपडेट है, वो मैं आपको डिटेल के साथ बता रहा हूँ। इससे पहले अभी तक जो भी मेरे भाइयों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो कि आने वाली अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो उन तक जल्दी से पहुँचती रहे। तो जो मेरे भाई जर्मनी जाते हैं, पाकिस्तान में एजेंटों से राबता करके 25 लाख का 20 लाख रुपए का वीज़ा लेकर, और वो सोचते हैं कि हम वहाँ पर जाके असाइलम अप्लाई कर लें, अभी ऐसी बात नहीं। इससे पहले अभी तक जो भी मेरे भाइयों ने जर्मनी जाके असाइलम अप्लाई किया है, उनका लक है, उनकी एक अच्छी किस्मत है, मगर अभी नहीं आप वहाँ पर जाके ऐसा कर सकते, क्योंकि फरवरी में उन्होंने 33 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया है जर्मनी ने, इस वजह से कि उन्होंने अपना असाइलम केस अप्लाई किया था और उन्होंने वो रिजेक्ट कर दिया है। अभी मैं आपको जर्मनी के असाइलम केस की रेशो बताता हूँ कि अगर 100 पाकिस्तानियों ने वहाँ पे अपना असाइलम केस अप्लाई किया है और वो जो एक्सेस होते हैं वो 4 से 5 होते हैं, वो किस बुनियाद पे होते हैं, क्या तरीका है उसको अप्रूव करवाने का, ये है कि वहाँ पर जाके पेपर मैरिज करते हैं, कोई उनका रिलेटिव फैमिली मेंबर, कोई यार दोस्त, कोई लड़की, वहाँ पर जाके वो शादी करते हैं, पेपर मैरिज अपने वो पेपर मैरिज करके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट करवाते हैं, फिर वहाँ की जो लड़की होती है वो अपने हस्बैंड का केस हैंडल करती है, फिर आपको वहाँ की TRC भी मिल जाती है और PRC भी मिल जाती है, जिसको टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड बोलते हैं और परमानेंट रेजिडेंस कार्ड बोलते हैं, और आप वहाँ की नेशनलिटी हासिल कर सकते हैं। अब ये जो दूसरे लोग जाते हैं वहाँ पर जाके करते हैं, जी हम कुछ पॉलिटिशियन की वजह से केस अप्लाई करते हैं, कुछ फैमिलियों की वजह से, बड़े बड़े आजकल केस लोगों ने नए नए तरीके निकाले हुए हैं कि हाँ जी वहाँ पर जाके हम अपना असाइलम अप्लाई करेंगे और हमें मिल जाएगा, मगर अभी ऐसी कोई बात नहीं है। ज़्यादा जो अक्सेस स्टोरी देखने को नज़र आई है वो पेपर मैरिज की है। तो अगर आपका वहाँ पर कोई है, कोई फैमिली मेंबर, कोई आपको स्पॉन्सर कर रहा है, वहाँ पे जाके आप पेपर मैरिज कर सकते हैं, तो फिर आप जर्मनी का रिक्स लें, नहीं तो आप कोई और कंट्री चूज़ कर लें। तो ये नई एक अपडेट आई थी, मैं सोचा अपने भाइयों तक पहुँचा दूँ, क्योंकि जो भी मेरे भाई जर्मनी ये सोच रहे हैं कि जर्मनी में जाकर हम अपना असाइलम केस अप्लाई करेंगे और हमें बहुत ईजी से मिल जाएगा, अभी ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने अपने जो रूल्स हैं वो चेंज कर दिए हैं, अभी जर्मनी बहुत टफ हो गया है। तो यही एक अपडेट थी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कोई नेक्स्ट ऑथेंटिक वीडियो पर। अस्सलामु अलैकुम।